फ्रेंड देखिए, आज मैं आपको ये जो ऊपर हमने बनाई है डिब्बी, ये बनाना बताती हूँ मैं कैसे हम बनाएंगे। सेम वैसे ही बनाएंगे, पर इसमें मैंने ये एक बीच वाला ये और एक दो तीन चार जालियाँ इस साइड को, एक दो तीन चार जालियाँ इस साइड को, और इस तरीके से ये बनाई है। इसमें हमने छः छः जालियाँ बनाई हैं और इसमें हम चार चार जालियाँ बनाएंगे। बीच में ये पाँचवीं बीच की है, चार इस साइड को चार इस साइड को। तो देखिए, जो मैं पहले डिजाइन आपको बनाना बता चुकी हूँ, तो इतना डिजाइन हमने बना लिया है। अब इसके बाद मैं ये डब्बी आपको बनाना बताती हूँ। सेम हमने वैसे ही सेंटर में से ये बनाना स्टार्ट कर दिया, जैसे सात फंदे हमने इस साइड को बनाए हैं, साथ ही हमने इस साइड को और बीच में एक जाली बनाई है। तो ऐसे ही हम इसको भी बनाते जाएंगे, पर इसमें हम सिर्फ पाँच जालियाँ बनाएंगे। इसमें हमने मतलब चार हम इस साइड को बनाएंगे, चार इस साइड को, फिर मैं आपको ये घटाना भी बताऊंगी ऊपर वाली डब्बी कैसे बनाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको बनाना। पहले मैं उल्टी सिलाई बना लेती हूँ पूरी, जो पांच फंदे हमारे ये इसके हैं, फिर आगे से बताती हूँ आपको कैसे बनाएंगे हम इसको। ये देखिए, जो दो जालियां तो मैंने यहाँ पे आपको बनाना बता दी थी जब हमने दूसरा डिजाइन स्टार्ट करा था। तो अब देखिए, पहला फंदा ऐसे स्लिप करा, दो तीन चार, अब फिर से हमने ऐसे, अब यहाँ पे एक और दो, अब तीसरी जाली हमारी बन गई। पांच फंदे हमारे उल्टे, और उल्टी सिलाई पूरी मैं बना लेती हूँ। उल्टी सिलाई पे पांच सीधे और ये 15 उल्टे, इसके बाद अगली सीधी पे फिर दिखाती हूँ। अब अगली सीधी पे देखिए, पहला फंदा स्लिप करा, एक दो तीन, फिर से दो का एक करा, जाली बनाई, एक दो तीन चार पाँच जाली बनाई, से पलटा, दो का एक, एक दो तीन धागा आगे, पांच फंदे हमारे उल्टे, और उल्टी सिलाई हम पूरी उल्टी वैसे ही बनाएंगे। फिर अगली सीधी सिलाई पे दिखाती हूँ मैं आपको, देखिए पांच सीधे 15 उल्टे। अब हम लास्ट वाली जाली ही बनाएंगे। ये देखिए, ये बीच वाली जाली, और एक दो तीन इस साइड, तीन इस साइड, तो चार हम इस साइड बनाएंगे और बीच में एक। पहला फंदा स्लिप करा, एक दो फंदे ऐसे बनाए हमने सीधे, फिर हमने दो का एक करा, जाली बनाई, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ जाली बनाई, नौ, मतलब नौ फंदे हमारे सेंटर में आएंगे और साइड साइड में हमारे दो दो फंदे बच जाएंगे। फिर हम डब्बी को बंद करना सीखेंगे, कैसे हम इसको ऊपर को बंद करेंगे। तो उल्टी सिलाई मैं बना लेती हूँ, फिर आपको ये डब्बी बंद करना बताती हूँ। अब देखिए फ्रेंड, अब हम डब्बी बंद करना सीखेंगे। देखिए, तो पहला फंदा हमने स्लिप करा, एक दो, हमने ये जो हमारे लास्ट के एक्स्ट्रा फंदे थे डिजाइन के बाद के, इनको दो को हमने सीधा बना लिया। फिर अब हम जाली बनाएंगे और इस फंदे को ऐसे पलटेंगे, ए और जाली वाला इन दो का एक कर देंगे, और बीच के एक दो तीन चार पाँच छ और ए सात फंदे हमने अब सीधे बना लिए। अब ए और ए इन दो का हम एक कर देंगे इस साइड को, और फिर जाली बनाएंगे और दो फंदे सीधे बनाएंगे, और पांच फंदे हमारे उल्टे बनेंगे।
लास्ट का एज स्टिच। उल्टी सिलाई हम पूरी उल्टी, मतलब 5 फंदे सीधे और 15 ये उल्टे। फिर अगली सिलाई पे दिखाती हूँ। अब अगली सिलाई देखिए फ्रेंड, पहला फंदा हमने स्लिप करा, 1 2 और ये जाली वाला 3। फिर जाली बनाएंगे, इस फंदे को ऐसे पलटेंगे, 2 का 1 करा, 1 2 3 4 5 फंदे हमने सीधे बनाए। अब ये जाली से पहले 1 और 1, अब अंदर की साइड को ऐसे 2 का 1 करेंगे, फिर जाली बनाएंगे और 1 2 3 5 फंदे फिर उल्टे ऐसे। तो देखिए इस तरीके से अगली बार हम फिर इन 2 का 1 करेंगे और इन 2 का 1 ऐसे। फिर इसके बाद लास्ट में मैं आपको ये 3 का 1 करना बताऊंगी, एक बार आप फिर कर लीजिए उल्टी सिलाई बनाने के बाद, फिर दिखाती हूँ। अब एक बार फिर देख लीजिए, पहला फंदा स्लिप करा, 1 2 3 4 और 5, फिर जाली बनाई, इसको पलटा ऐसे। अब बीच में एक फंदा हम सीधा बनाएंगे, इसको ऐसे 2 का 1 करेंगे, फिर जाली बनाएंगे, 1 2 3 4 5 और 5 फंदे ये उल्टे। उल्टी सिलाई पूरी उल्टी बनाने के बाद फिर मैं आपको सेंटर का 3 का 1 कैसे करेंगे वो बताते हैं, ये वाला। अब लास्ट सिलाई देख लीजिए फ्रेंड, और उल्टी सिलाई फिर इसकी उल्टी बनेगी। तो पहला फंदा हमने स्लिप करा, 1 2 3 4 5 6 और फिर जाली बनाई। अब देखिए इन 3 का 1 करेंगे तो सेंटर वाला और ये ऐसे स्लिप करेंगे, ये हमने बना लिया। इन 2 को फिर ऊपर से उतार देंगे ऐसे, फिर जाली बनाई ऐसे, एक सीधे फंदे हम पूरे सीधे बना देंगे, धागा आगे। तो इस तरीके से हमारा ये डिजाइन भी कंप्लीट हो जाता है। ये देखिए ऐसे पूरी डब्बी बन गई हमारी, और ये नीचे वाला डिजाइन। फिर इसके बाद हमने इसकी घटाई स्टार्ट करनी है, ये डब्बी बनने के बाद फिर इन सिलाइयों में हमने ये घटाई करनी है। तो उल्टी सिलाई आप बना लीजिए और अगली सीधी पे हम ये घटाई करना सीखेंगे फिर।